अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अल्लाह की फजल के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया तो कर दे। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, उसके बाद मैं जाऊंगा बाग में, वहाँ से कुछ आम लेने हैं। पहले हम नमाज पढ़ चुके हैं और अभी हम जाएंगे किधर, बाग आम लेने जा रहे हैं, और साथ में हम थोड़ा सा भुट्टा भी खा लेते हैं, ग्रिल भुट्टा। क्या दे ये देखो, ये हमें मिला। तो इसे हम कहते हैं वृतकड़े वगे। आई डोंट नो आपकी ज़बान में ऐसे क्या कहते हैं, लेकिन हम पश्तो में ऐसे कहते हैं वृतकड़े वगे, यानी ये अंगार पे पक जाता है, अंगार पे इसे पकाया जाता है। इस भुट्टे को अंगार पे पकाया जाता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और वो हम जा रहे हैं, ये चोर है, चोर एक नंबर का। ये बाजरा है, बाजरा इसको हम लोग जो है, जो जमींदार लोग हैं, इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जानवरों के लिए। और ये जो है, ये हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये वो रहे ज्वार मकई जो अभी मेरे हाथ में है, ये उसका फसल है ये। और ये तो आप जानते हैं गन्ने का फसल। और वो रहे हमारे बागात, हमारे नहीं मतलब हमारे गांव के, हमारे नहीं है, हमारे गांव में है। ऐसा ना हो कि आप कल कहें कि एक दो तीन पीठियाँ भिजवा दे। पहले ना इस जगह पे मैं आपको भी दिखाता हूँ, इस जगह पे आलूचे के बाग होते थे, लेकिन उसको पेड़ काट दिया गया, उसके जगह आम के पौधे लगाए गए। ये अभी मेरे कज़न का भी कॉल आ रहा है। तो पहले यहाँ पे जो थे आलूचे के बाग थे, लेकिन उसको काट के आम लगाए गए है यहाँ पे, क्योंकि आम का प्रोडक्शन हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उसको काट के आम लगाए गए हैं। यहाँ से इसने अभी थोड़े हैं आम, मतलब ये दरख्त जो है, ये अभी हाल ही हो चुके हैं, इससे फल जो है वो तोड़ा गया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा है, मतलब यहाँ जो भी बात है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो भी बात है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, मतलब उसकी जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत घने घने बात है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये इधर है कुछ आम, वो ये अभी रहते हैं, अभी सही तरीके से पक नहीं गए, तो इसको कुछ ही दिनों में इसको भी तोड़ लेंगे, इसको भी कुछ ही दिनों में तोड़ेंगे। तो अभी बस हम पहुंचने वाले हैं। ये लॉकहार्ट है, इस बाग में
लीची भी है, ये लीची का पौधा सॉरी दरख्त है, ये यहाँ लीची भी है और आम, मतलब मैक्स बाग है ये लीची और आम का। कॉस्ट ओनली 200 रुपीज़। कौन सा, मतलब ये पेटी 200 रुपये की। आपके इलाके में किस रेट पे है ये एक पेटी, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपके इलाके में महंगा हो तो आप मुझसे राबिता कर सकते हैं, मैं यहाँ से आपको भेज दूँगा, लेकिन पेमेंट आपने एडवांस में करना होगा। इजी पैसा या जैश कैश, जैश कैश चलेगा।